सवाल पर आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए चारों सवाल हमने लिख लिया, एक एक करके चारों सवाल को हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ये चार सीखिएगा, फिर आगे आप सीख पाइएगा, नहीं तो आगे भी आप नहीं सीख पाइएगा। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, जब ऐसे बट्टा वाला बात हो तो मान उसका एक ही आता है, ध्यान रखिए एग्जाम में, और माइनस वाला हो तो जीरो ही आता है। फिर देखिए चेक कर लेते हैं, साइन 18 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करेंगे, दो तरीका से बना सकते हैं। अच्छा 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री, कहिएगा कैसे, 90 से 72 घटाइए 18 बचता है, ठीक है, लिख दिए। देखिए दोनों मिलाकर 90 आ जाता है, दोनों को जोड़िएगा 90, दोनों को जोड़िएगा 90, दोनों को जोड़िएगा 90। तो हमेशा ऊपर वाले को इस तरीका से लिख सकते हैं, या नीचे वाले को भी हम इससे लिख सकते थे, दोनों में से किसी को, इसको नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा लिख देंगे, कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला जो अभी आप पढ़े थे, साइन 90 माइनस ए, कॉस ए हुआ था ना, तो कॉस यहाँ पर है, साइन 90 माइनस 72 तो कॉस हो जाएगा 72, बटा है कॉस 72, बताइए दोनों कट जाएगा, अब बच जाएगा एक, यही इसका आंसर। कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें ध्यान देते हैं, ए सेम ही सवाल है, 10 26 64, ऊपर में चेंज किए थे, इसमें ऊपर में भी कर सकते हैं, इसमें आपको हम नीचे में करके दिखाते हैं ताकि दोनों तरफ से आप सीख जाओ। 10 26 को 10 26 ही लिख देते हैं, कहीं भी चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं। कॉट 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26, आप कहिएगा कैसे, 90 से 26 घटाइए 64 ही बचता है, वही लिख दिए। अब मान लेते हैं आपके पास 10 रुपया है, हम आपको बोलेंगे कि आपके पास 20 माइनस 10 रुपया, तो 20 माइनस 10 तो 10 ही बचा, या 30 माइनस 20 रुपया है तो 10 ही है ना, बस बोलने का तरीका अलग, 90 माइनस 26 बराबर 64, तो 10 26 बट्टा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 थीटा, तो 10 कॉट 90 माइनस 26 तो 10 26, और दोनों बराबर है तो कट जाएगा, बचेगा एक, यही इसका आंसर, ठीक है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कॉस 48 डिग्री, दोनों में से किसी एक को इसमें इसे कर देते हैं, उसमें उधर वाले, आप दोनों तरफ से सीख जाइएगा। कॉस 48 को लिख सकते हैं 90 या माइनस 42, देखिए हम तुरंत कैसे खोज लेते हैं, ये वाला घटा देते हैं हमेशा, 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 को बचना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी स्थिति हो, साइन 42 है तो साइन 42 लिख लिए। अब कॉस 90 माइनस 42 क्या होगा, साइन 42, ये फॉर्मूला है, माइनस साइन 42, साइन 42 में साइन 42 घट जाएगा तो जीरो, यही आंसर। चौथा सवाल, इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉस एक 31 माइनस सेक 59 को लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 31, यह 31 को रखें, 90 में से 31 घटाइए 59 बचता ही है, बराबर कॉस एक 31 डिग्री, माइनस सेक 90 माइनस 31 क्या होगा, कॉस एक 31 होगा, 31 घट गया जीरो, यही आंसर। चारों सवाल आपके सामने, चारों खाने अच्छे हो गए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए इसका